इनमें क्या डिफरेंस होता है क्यों होती है और अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग कैसे इफेक्ट करती है उन सबको आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है और ये सब कुछ जो है ये आपको पेज नंबर 125 पे गिवन है फिर हमारे पास ग्रेस्टुलेशन आती है और इवेंट्स ऑफ ग्रेस्टुलेन ग्रेस्टुलेन जो है ये सेकेंड स्टेज है इसमें आपने जो है वो इसकी जो है वो डेफिनेशन लिख देनी है और ये कब टाइम पीरियड से कब तक होती है और इसके अंदर जो होते हैं वो जर्म लेयर्स बनती हैं कौन कौन सी जर्म लेयर्स बनती हैं किस तरीके से बनती हैं अगर आप डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स और फिर उसके साथ आपने एंड में बताना है कि हर लेयर जो होती है वो कौन से ऑर्गन्स को क्रिएट कर रही होती है देन वी हैव न्यूरोलेशन न्यूरोलेशन आपको पता है कि जो पहली स्टेज होता है ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर और ह्यूमन एम्ब्रो के अंदर जो होता है वो न्यूरोलेशन किस तरह से होता है वो तीन स्टेजेस हैं और उसके अंदर उसके, उसके बाद जो होती है वो सिग्निफिकेंस ये है कि उसके अंदर न्यूरल क्रेस्ट बनती है जो कि आपके जो है वो वर्चुअली उसे फोर्थ लेयर भी कंसिडर किया जाता है और ये सारा आंसर जो है ये पेज नंबर वन ट्वेंटी नाइन पे गिवन है फिर हमारे पास आते हैं डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल क्रेस्ट और लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर दैट आर डिराइव फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट तो आप पहले न्यूरल क्रेस्ट के बारे में बताना है वो कैसे किस तरह बनती है एंड देन आपने उनके स्ट्रक्चर्स को अगर आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में जो है वो स्ट्रक्चर बता दें ये जो न्यूरल क्रेस्ट से रिलीज होते हैं या क्रिएट होते हैं तो वो आपके लिए जो है वो ज्यादा सुटेबल रहेगा और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर वन थर्टी फाइव पे गिवन है क्वेश्चन थर्टी ट्वेंटी थ्री है डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट ऑफ हांस ड्राइसेक एंड हांस पैकमेन ऑन द रोल ऑफ द न्यूक्लियस न्यूक्लियसोप्लास इन कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट डेवलपमेंट की कंट्रोल क्या है आपका जो है पहले आपने हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करना है उस हाइपोथेसिस को जो था इन दोनों साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट से जो था वो रॉन्ग प्रूफ किया था और आपने दोनों के एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सप्लेन कर देने और उनकी कंक्लूजन दे देने और ये आंसर जो है ये आपको पेज नंबर वन थर्टी पे गिवन है क्वेश्चन ट्वेंटी फोर है वॉट इज एम्ब्रॉनिक इंडक्शन डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट ऑफ द हांस पेकमेंट एंड हेल्थी मैन गोल्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूरल ट्रूप टू दी एक्सप्लेन दॉनिक इंडक्शन एम्ब्रॉनिक इंडक्शन का प्रोसेस क्या होता है कि एक सेल्स या टिश्यूज जो, जो होते हैं वो दूसरी सेल्स के डिफ्रेंशिएशन और डिविजन को इंड्यूस करें वो एम्ब्रॉनिक इंडक्शन होती है ये कैसे प्रूफ हुई थी वो जो ब्लासोपोर लिप को जो था वो ग्राफ किया था दूसरे जयगोड के साथ उन सबको वो आपने एक्सप्लेन कर देना है और ये पेज नंबर वन थर्टी टू पे गिवन है क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट इन ह्यूमस इन टर्म्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ह्यूमन की पहले आपने डेवलपमेंट बताने फर्टिलाइजेशन से लेकर फिर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर को एक्सप्लेन करना उसमें हर मंथ के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो आपने हेडिंग्स के साथ बता देनी है फिर सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड देन थर्ड ट्राइमेस्टर की और ये आंसर जाइए पेज नंबर वन पे गिवन है क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द रोल ऑफ प्लेसेंटा एंड अम्बेलेकर कोड प्लेसेंटा क्या होता है आपको मैंने बताया था कि यूनिक ऑर्गन है टेम्परेरी ऑर्गन है और इसका क्या क्या फंक्शन है फिर उसके बाद उसका प्लेसेंटर और फीटस का जो कनेक्शन होता है वो अम्बेलेकल कॉर्ड से होता है उसकी लेंथ क्या है उसके फंक्शन क्या है ये सब कुछ आपने एक्सप्लेन कर देना है इसका आंसर जो है वो पेज नंबर वन पे गिवन है क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ फीटल एंड मेटरनल हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग द लेबर पहले आपने फीटल हार्मोन्स को बताना है अगर मैंने जैसे वीडियो के अंदर बताया था डायग्राम के थ्रू फ्लो चार्ट के थ्रू अगर आप इस तरह से बता देंगे तो आपको याद करने में और एक्सप्लेन करने में इजी हो जाएगा

क्टेशन जो है ये मिल्क की प्रोडक्शन होती है कैसे होती है और कौन से हार्मोन्स प्ले करते रोल इसमें पहले आपने प्रोलैक्टिन को एक्सप्लेन करना देन आपने ऑक्सीटोसिन को कर देना है और ये भी जो है ये पेज नंबर वन थर्टी नाइन पे गिवन है वट इज एजिंग वट आर द जेनेटिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ऑफ एजिंग एजिंग क्या होती है क्यों होती है सर्टन थे एजिंग को डिफाइन करने के लिए वो अपनी जेनेटिक है फिर इंट्रिंसिक फैक्टर्स है वो आपने एक्सप्लेन कर देने और इसका आंसर भी जो है वो पेज नंबर 142 पे गिवन है फिर हमारे पास आते हैं डिस्क्राइब द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एजिंग आपको कैसे पता चलता है एजिंग क्या है इससे पहले अगर आप एजिंग को वन लाइन में डिफाइन कर देंगे तो ये आपके लिए बेटर होगा फिर इसके बाद आपने बता दें साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि अब जो है वो इंसान जो है वो एज करना स्टार्ट हो गया और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर वन पे गिवन है इसके साथ ही हमारे जो है वो एक्सरसाइज जो है वो कम्प्लीट गई आई होप आपको एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी दिस इज लाइबर तारीफ फ्रॉम ट्यूटोरिया डॉट पी के साइनिंग ऑफ See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.